गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टूडे? आई विल डू द चैप्टर नंबर 13, द मौर्यास एंड द सुंग डायनेस्टी। मतलब आज हम करेंगे लेसन नंबर 13, जिसका नाम है द मौर्यास एंड द सुंग। मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है और सुंग के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। सुंग के लिए अलग से एक लेसन है आगे, उसमें डिटेल में करेंगे हम। आज हमारा जो मेन फोकस है वो किस चीज पे रहेगा? द मौर्यास डायनेस्टी, मौर्य वंश के बारे में। बच्चे, सिकंदर जिसको हम अलेक्जेंडर भी बोलते हैं, सिकंदर और अलेक्जेंडर एक ही किंग का नेम है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं सिकंदर बोल रहे हैं कभी अलेक्जेंडर बोल रहे हैं। इसलिए मैं दोनों आपको बोल रही हूँ कि अगर क्वेश्चन में सिकंदर या अलेक्जेंडर आ जाए तो दोनों एक ही क्वेश्चन होंगे, दोनों एक ही किंग के नेम है। तो अलेक्जेंडर इंडिया में कब आया था? 326 बैक सेंचुरी। बैक सेंचुरी मतलब उतने ईयर हमने बैक की बात करनी है जितने हमें बताए गए हैं। बैक सेंचुरी, बीसी मतलब बैक सेंचुरी। कितने ईयर बैक लेना है? 326 एडी में अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर जब हमारे इंडिया में आया था तो उसने क्या किया? कहां से दाखिल हुआ था हमारे इंडिया में? पंजाब की ब्यास नदी से। ब्यास नदी से जब वो आया था तो वहां पे उसने कई किंग्स को हराया, अम्बी किंग को भी हराया। बट जब उसका सामना पोरस के साथ हुआ, पोरस इज वेरी ग्रेट किंग, बहुत ही ग्रेट राजा था पोरस, उसे सिकंदर को हारना पड़ा, अलेक्जेंडर को हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए वो पंजाब की ब्यास नदी के कंडे से ही वापस चला गया था। इसका एक और रीजन भी था, क्योंकि जो सिकंदर के सैनिक थे जो बहुत ही ज्यादा बार करके युद्ध करके थक चुके थे और वो थकने के कारण उसका साथ छोड़ गए थे सिकंदर का। इसीलिए सिकंदर को पोरस राजे के साथ हारने के बाद और अपने सैनिकों की बहुत ही ज्यादा थक जाने की वजह से ब्यास नदी से ही इंडिया से वापस जाना पड़ा था, पंजाब से वापस जाना पड़ा था। तो इसी सिकंदर के वापस जाने के बाद इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी किंगडम्स। जो हमारा इंडिया था बहुत ही पार्ट्स की किंगडम में बट चुका था, छोटी छोटी किंगडम्स में। कहीं एरिया में किसी वंश का शासन था, किसी एरिया में किसी वंश का शासक था। अलग अलग वंश मतलब डायनेस्टीज बन चुके थे। डायनेस्टी क्या होता है? एक वंश होता है जब एक ही फैमिली के मेंबर एक ही मतलब फील्ड में कोई काम करते हैं। जैसे कि राजा हो गया, पहले उनके ग्रेट ग्रैंड फादर किंग थे, फिर उसके फादर हो गए, फिर वो आप हो गए, जैसे अशोक मान लो या अलेक्जेंडर मान लो। तो क्या हो गया? ये एक वंश हो गया, ये एक डायनेस्टी होगी। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही किते को करना, एक ही किते को अपनाना, एक ही काम को अपनाना क्या कहलाता है? वंश कहलाता है, डायनेस्टी कहलाता है। ठीक है, तो उस समय मौर्य वंश भी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। किस एडी में हुई थी? 321 बैक सेंचुरी। मतलब हमने 321 ईयर बैक सेंचुरी की बात कर रहे हैं। पहले किस सेंचुरी की बात की थी? 326 की। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये पहले की बात है अलेक्जेंडर वाली, इसलिए 326 बैक सेंचुरी आना है। और ये थोड़ी आगे की बातें हैं तो 321 बैक सेंचुरी जाना है हमने बैक। ठीक है, तो उस टाइम क्या था? मौर्य वंश ने किसकी हेल्प से? अपने टीचर कौटिल्या, कौटिल्या जिसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना, अगर लेसन में जो क्वेश्चन है आपको चाणक्य या कौटिल्या आ जाए, दोनों ही एक पर्सन के नेम है। जैसे आपके घर में निक नेम होते हैं, स्कूल में आपका फुल नेम होता है, ठीक है, वैसे ही चाणक्य और कौटिल्या एक पर्सन का नेम है। सिकंदर और अलेक्जेंडर एक किंग का ही नेम है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। जो कौटिल्या थे एक महान विद्वान थे, एक महान स्कॉलर्स थे और ये विश्वविद्यालय के टीचर भी थे। इनने अपनी बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बुक से हमें मौर्य समाज की सारी नॉलेज मिलती है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में।
कि प्रशासन उस टाइम पीरियड में कैसा चलता था, ओवरऑल जो पावर्स थी किसके हाथों में थी, किंग के हाथों में थी, बहुत ही वो शक्तिशाली होता था उस टाइम पीरियड में। सैनिक क्या होते थे, पैदल सेना होती थी, घुड़सवार होते थे, हाथी घोड़े होते थे और रथ वगैरह भी होते थे। और उस टाइम पीरियड में कौन से पॉइंट्स होते थे, पॉइंट्स की कोई शेप नहीं होती थी, सारे शेपलेस होते थे, बस एक उन पे प्रिंट होता था जिससे पता चलता था कि हाँ ये पॉइंट्स थे। और उनकी एक मेटल होती थी, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जिससे कि चीजें सेल और परचेस की जाती थी, बेची और खरीदी जाती थी। और इसके अलावा कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र, ये आपका क्वेश्चन भी बनेगा। मैक्सिमस ने कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका। ये दोनों ही बुक से हम उस टाइम पीरियड की इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। खास तौर पे कौटिल्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र बुक से हमें मेनली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्रशासन के बारे में, राज प्रबंध के बारे में पता चलता है कि कैसा चलता था। आगे देखते हैं अशोक द ग्रेट। अशोक बहुत ही एक ग्रेट किंग था, सबसे पहले जो मौर्य वंश का शासक चलाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने चलाया, फिर उसका बेटा बिंदुसार आ गया, बिंदुसार के बाद सॉरी फिर आ गया अशोक द ग्रेट। अशोक ने राज किया, मतलब सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फर्स्ट पे चंद्रगुप्त मौर्य थे, सेकंड पे बिंदुसार, थर्ड पे अशोक द ग्रेट। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले शासन किया, बहुत ही डेवलपमेंट की, सेकंड पे आ गया बिंदुसार, बिंदुसार ने भी 25 इयर्स शासन किया, वो भी एक ग्रेट किंग था। उसके बाद आ गया अशोक। अशोक के बारे में तो आपने वैसे भी सुन रखा होगा, बहुत ही ग्रेट शासक थे। अशोक द ग्रेट किस एडी में किंग बने थे, 237 बैक सेंचुरी, मतलब अब हमने 2730 बैक सेंचुरी की बात कर रहे हैं। अशोक को ग्रेट किस लिए बोला जाता है, यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन निकलता है, आपको क्वेश्चन बनेगा। अशोक, अशोक ने क्लिंग के युद्ध में जब हिस्सा लिया था, जब जीत प्राप्त की थी, क्लिंग का युद्ध उड़ीसा नामक स्थान में हुआ था, इतना ज्यादा युद्ध हुआ था उस स्थान में कि लाखों लोग मर गए थे और लाखों ही लोग जख्मी हो गए थे। इसलिए इस बात का अशोक के दिल पे बहुत ही, हम बोलते हैं ना, सदमा लगा, बहुत ही स्ट्रेस पड़ गया कि इतनी ज्यादा लोगों की जान गई, इतने लोगों का खून खराबा हुआ। तो उस टाइम पीरियड से ही उसने, क्लिंग युद्ध के टाइम पीरियड से ही युद्ध को पक्के तौर पर बंद करने का फैसला कर लिया। और ये अशोक की लाइफ का सबसे लास्ट युद्ध था। कौन सा युद्ध था, क्लिंग युद्ध था, कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। उसके बाद उसने सब लोगों को मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड पीस का दिया, सबको मानवता और शांति का संदेश दिया, बहुत सारे पिलर्स बनाए, 30-30 फीट तक के पिलर्स बनाए उसने, बहुत सारी स्टोन्स पे अपने ह्यूमैनिटी और पीस के जो मैसेज थे, थॉट्स थे, वो लिखवाए, रिटर्न करवाए। और उसने हंटिंग को बिल्कुल ही बंद कर दिया, शिकार खेलना खुद भी बंद कर दिया और शिकार खेलने पे पाबंदी लगा दी, और अलग अलग जगह पे भी, स्टोन्स पे भी, पिलर्स पे भी, दीवारों पे भी, जहां भी जगह थी सब तरफ उसने यही लिखवाया कि हमने मानवता की पालना करनी है, हमने आपस में शांति से रहना है, कोई भी युद्ध वगैरह नहीं करना है, हंटिंग नहीं करनी है, गरीब लोगों की सहायता करनी है जो बहुत ही ज्यादा पुअर हैं, जिनके पास कोई लैंड वगैरह नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, उनसे कर नहीं लेना है। और इसके अलावा उसने रोड्स बनवाई, जहाँ पे वेल्स नहीं थे, कुएं नहीं थे, पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था कराई, गरीबों की हर तरफ से हेल्प की, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट जितनी भी उस टाइम पीरियड में अशोक कर सकता था, जितनी भी उससे हुई उसने की। और युद्ध को बिल्कुल ही बंद कर दिया। इसका रीजन क्या था, इसका रीजन था क्लिंग युद्ध उड़ीसा में जो हुआ था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे और जख्मी हो गए थे। दीज टीचिंग्स आर नाउ एज धम ऑफ अशोका, उनकी उस अशोक की यही टीचिंग्स क्या कहलाती है, थम ऑफ अशोका, अशोका के थम के नाम से कहलाई जाती है। जैसे हंटिंग नहीं करनी, पीस से रहना है, ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया, हंटिंग नहीं करनी है,
बड़ों से प्यार करना है, छोटों की रिस्पेक्ट, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, छोटों से प्यार करना है, अपने से छोटों से, मतलब जितनी भी गुड हैबिट्स, गुड थिंग्स बोल सकते हैं, सभी चीज़ों का उसने अपने थंब में, अशोका का थंब में शामिल किया, उसे पिलर्स में लिखवाया, उसे स्टोन्स पे लिखवाया, और अशोक ने अपना सारा ही राजपाट त्याग के बुद्ध धर्म को भी ग्रहण कर लिया था, बुद्ध धर्म में आगे थे वो, और उन्होंने बुद्ध धर्म के प्लेसेस जैसे कि बोधगया, कुरुक्षेत्र, अहमदाबाद पे भी जाना शुरू कर दिया, और कई जगहों पे उन्होंने बोधगया भी करवाई और खुद भी इन जगहों की यात्रा भी की, और उनके द्वारा, बुद्ध धर्म द्वारा जितनी भी टीचिंग्स दी जाती थी सबको उन्होंने अपनी लाइफ में माना और मानने के लिए बोला भी। तो आज हमने क्या किया, द मौर्य साइंस सिटी एंड द सुंग सुंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थोड़ा सा। मौर्य वंश का जो सबसे पहला शासक था कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, किसकी हेल्प से बना था, चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य भी बोलते हैं, अनदर नेम इज, और सेकंड था बिंदुसार जिसमें 25 इयर्स तक शासक किया, थर्ड इज द अशोक ग्रेट, महान अशोक जिसने क्लिंग के युद्ध के बाद लाखों लोगों की जान जाने के बाद, जख्मी होने के बाद युद्ध को बिल्कुल ही बंद कर दिया था, बुद्ध धर्म में आगे थे, अपना सारा राजपाट त्याग दिया था, पीस और कम्युनिटी का मैसेज दिया था। दीज टीचिंग आर नाउन एज थम ऑफ अशोका।